लेकिन यदि आपके हार्मोन्स कम है, यानी कि आपका ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं बन रहा है, तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ईस्ट्रोजन के जल्दी चले जाने की वजह से आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, आपके स्किन का ग्लो चला जाता है और बहुत जल्दी फ्रैक्चर होने की संभावनाएं बन जाती हैं, कई बार हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और आपके बाल झड़ने लग जाते हैं। तो ऐसी कई सारी आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है जो ईस्ट्रोजन के लेवल की कमी की वजह से होती है। हेलो फ्रेंड्स, यदि आप अभी 40 की भी नहीं हुए हैं और आपके महीने बंद हो गए हैं तो आपके बहुत चिंता हो रही होगी कि आखिर आपके महीने कहाँ चले गए, क्यों बंद हो गए और आखिर उनसे क्या इफेक्ट आने वाला है। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको बताने जा रही हूँ कि प्री मैच्योर मेनोपॉज के क्या नुकसान होते हैं और क्या फायदे हो सकते हैं क्या। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर प्री मैच्योर मेनोपॉज क्या होता है। प्री मैच्योर मेनोपॉज का मतलब होता है कि यदि आपके महीने 40 की उम्र से पहले ही बंद हो गए हैं तो उसे हम प्री मैच्योर मेनोपॉज कहते हैं, और यदि 40 के बाद जाते हैं तो पेरीमेनोपॉजल होता है, क्योंकि जनरली जो महीना जाने की उम्र होती है वो अराउंड 50 ईयर होती है। अब यदि आपके 40 साल के पहले ही महीने बंद हो गए तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर प्री मैच्योर मेनोपॉज के कारण क्या क्या है। तो जो सबसे कॉमन कारण है कि वो आपकी ओवरीज ही काम करना बंद कर देती है। ओवरी से जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन निकल रहा है वो ही नहीं बन रहा है, तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नहीं बनने के कारण ही आपका महीना नहीं आता है। अब ये ओवरीज का फेलियर हो सकता है, या फिर आपके जो ब्रेन से FSH और LH का जो लेवल जो हार्मोन आना था वो नहीं आता, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब जो भी होते हार्मोन जब तक हम चेक नहीं करेंगे, ब्लड में इनका लेवल चेक नहीं करेंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि आपके FSH LH का लेवल कितना, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कितना है। और जैसे इनका लेवल समझ में आता है तो हमें ये पता चल जाएगा कि इनका लेवल, इनकी कमी है, नॉर्मल है, ज्यादा है, क्या लेवल है। दूसरा जो कारण होता है कि आपका जो यूट्रस होता है उसकी जो अंदर की एंडोमेट्रियम होती है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, यानी कि वो किसी प्रकार से डैमेज हो गई है। तो जनरली ये बहुत बार बार DLC होने के कारण कई बार अंदर का लेयर डैमेज हो जाता है, कई बार TB का इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या फिर आपने कोई कॉपर टी या कोई IUCD लगवाई थी जिसको आप अंदर भूल गए हों, ऐसे भी केसेस होते हैं, तो कॉपर टी लगवा के भूल जाते हैं, अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, कॉपर टी अंदर गड़ जाती है और वो चिपक जाने के कारण महीना बंद हो जाता है। या फिर किसी किसी ने अगर हार्मोन वाली IUCD लगवाई है जो कि मेरेना के नाम से आती है, यदि वो यूज की हुई है तो ऑटोमेटिकली महीने उसे बंद हो जाते हैं। तो यानी कि यूट्रस का प्रॉब्लम हो सकता है या ओवरीज का प्रॉब्लम हो सकता है। अब आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको डायग्नोज करने के लिए हमें हार्मोन्स के लेवल चेक करने होते हैं और यूट्रस की एक सोनोग्राफी करनी पड़ती है जो कि ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी होती है। सोनोग्राफी होते ही हमें पता चल जाएगा कि अंदर क्या प्रॉब्लम है। अब इसके अंदर जो ट्रीटमेंट की यदि हम बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लेवल चेक होने के बाद यदि हार्मोन्स का लेवल कम है, नहीं है, तो हार्मोन्स का रिप्लेसमेंट दिया जा सकता है जिससे कि महीना आ जाए। दूसरा, यदि एंडोमेट्रियम डैमेज हो गई है, अंदर से जाला बन गया या कुछ है, तो हम एक बार दूरबीन डालकर अंदर से चेक कर सकते हैं कि आखिर आपकी बच्चेदानी अंदर से हेल्दी है या नहीं है, या कोई जाला बन गया है, डैमेज हो गी है, और या कोई इन्फेक्शन है, तो उसमें TB की जाँच करानी पड़ती है, क्योंकि TB का इन्फेक्शन बिना TB की दवाई खाए नहीं ठीक हो सकता, और उसके लिए पूरा 6 महीने की ATT लगती है, और जब आपकी TB की दवाई पूरी हो जाती है तो जनरली आपके महीने रिज्यूम हो जाते हैं। अब इनका नुकसान क्या है कि आखिर महीना चला गया तो चला गया, उसे क्या फर्क पड़ रहा है, और फायदा क्या है। तो अगर महीना चला गया है तो उसका नुकसान जो होगा वो जनरली नहीं होता, लेकिन यदि आपके हार्मोन्स कम है, यानी कि आपका ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं बन रहा है, तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ईस्ट्रोजन के जल्दी चले जाने की वजह से आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, आपके स्किन का ग्लो चला जाता है और बहुत जल्दी फ्रैक्चर होने की संभावनाएं बन जाती हैं, कई बार हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और आपके बाल झड़ने लग जाते हैं। तो ऐसी कई सारी आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है जो ईस्ट्रोजन के लेवल की कमी की वजह से होती है। तो यदि बॉडी में ईस्ट्रोजन नहीं बन रहा है तो आपको ईस्ट्रोजन सप्लीमेंट लेना चाहिए जिससे कि आपके बोन्स की ग्रोथ हो सके, बोन्स की डेंसिटी बढ़ सके और बोन का फ्रैक्चर कम हो सके। और यदि आपको इन्फेक्शन है तो आप TB की दवाई लीजिए जिससे कि TB का ट्रीटमेंट हो सके, और यदि अंदर से एंडोमेट्रियम डैमेज है तो आपको उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अब फायदा क्या हो सकता है, फायदा तो
एक ही है कि ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो आपके खून का नुकसान नहीं हो रहा है और आपका हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन नहीं जाएगा और आपके शरीर में किसी भी प्रकार की खून की कमी नहीं होगी। तो अब आपको ये चेक तो जरूर कराना है कि महीना नहीं आ रहा तो कारण क्या है, हार्मोन्स नहीं है तो रिप्लेसमेंट जरूर लेना है और टीबी का यदि इन्फेक्शन है तो दवाई जरूर खानी है और साथ ही साथ यदि खून की कमी है तो आयरन की टेबलेट और कैल्शियम की टेबलेट जरूर लीजिए और विटामिन डी भी साथ में रिप्लेसमेंट में लेना होता है, मल्टी विटामिन जरूर लेने होते हैं, पानी अच्छे से पीना होता है, हरी सब्जियां बहुत सारी खानी होती है, दूध दही छाछ लेना होता ताकि प्रोटीन की और किसी चीज की कमी ना हो और आपके शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी ना हो। तो इस तरीके से आपने जाना कि महीना नहीं आने का फायदा हो सकता है कि आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी लेकिन जो कारण है उनसे नुकसान भी हो सकता है। तो कारण और नुकसान दोनों जानते हुए अपने फायदे की सोचिए और यदि आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो हमारे हेल्थ केयर एक्सपर्ट से आज ही बात कर लीजिए ताकि आपको अपना कारण समझ में और अपना इलाज समझ में आ जाए। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।